हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटो कैड में जो फिलेट कमांड होती है उसमें और क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ट्रिम, नो ट्रिम का ऑप्शन होता है, मल्टीपल फिलेट आप कैसे कर सकते हैं, पॉली लाइन क्या यूज होता है इन फिलेट कमांड, तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। किसी ने मुझसे पूछा था सर इसके बारे में बताने के लिए, तो उनके बोलने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास नॉर्मली ये कुछ मैंने शेप्स बनाई है। सबको पता है कि फिलेट एक्चुअल में होता क्या है। आप प्रेस करते हैं एफ एंटर फॉर फिलेट। बेसिकली हम क्या करते हैं, विदाउट रेडियस, रेडियस को हम यहाँ पे जीरो रखते हैं स्टार्टिंग में। तो ये आपको बोलता है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब ये बोलते हैं सिलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट, और सेकेंड ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर देते हैं, तो आपका ये फिलेट बन जाता है। बेसिकली वो इन दोनों एजेस को आपका ज्वाइन कर देगा। अगर आपका यहां से आगे की तरफ है ऐसे, अगर अब आप फिलेट करते हैं एफ एंटर, इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे क्लिक करेंगे, तो वो दो उस इस पार्ट को आपका ट्रिम कर देगा और इस पार्ट को आपको इस तरीके से ज्वाइन कर देगा। ये आपको नॉर्मली पता है। अगर आप चाहते हैं कोई रेडियस डालना, तो आप एफ एंटर करते हैं फॉर फिलेट, और यहाँ पे आते हैं एक ऑप्शन रेडियस, और जिसके लिए आप आर एंटर भी कर सकते हैं फॉर रेडियस। एफ एंटर करने के बाद आर एंटर करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पे टू का यहाँ पे रेडियस डाला। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे टू रेडियस आपका यहाँ पे आ जाता है। ये तो है नॉर्मल फिलेट, आप कैसे यूज करते हैं। एफ एंटर, इसको क्लिक किया, आप इस तरीके से फिलेट का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं एफ एंटर, एक होता है मल्टीपल फिलेट। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो मेरे पास जैसे मेरे पास इनको भी मैं एक बार कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से यहाँ पे कॉपी। अब मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, अब मेरे को इन सबको फिलेट करना है, तो मैंने किया एफ एंटर। रेडियस को मैंने मान लो जीरो कर दिया, या कोई भी रेडियस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको किया और इस पे क्लिक किया, आपका फिलेट हो गया, बट आप कमांड से बाहर आ गए। आपको दोबारा फिलेट करना है, तो आप एफ एंटर करोगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो फिलेट हो जाएगा, बट आप कमांड से बाहर आ जाओगे। मैं चाहता हूं कि कमांड से बाहर ना आओ और मल्टीपल फिलेट हो जाए, तो आप क्लिक करें एफ एंटर फॉर फिलेट, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मल्टीपल, या फिर आप प्रेस कर सकते हैं एम। अब आप इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, आप क्लिक करते चले जाएं, आप कमांड से बाहर नहीं आओगे और आप मल्टीपल फिलेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये होता है मल्टीपल फिलेट, क्लियर है। एक होता है इसके अंदर ऑप्शन अंडू। अब आपने मल्टीपल फिलेट कर रहे हो, अब आपको ये वाला फिलेट बैक करना है, तो आप यहाँ पे यू एंटर कर सकते हैं, या फिर अंडू पे क्लिक करेंगे, तो वो आपका फिलेट आपका अंडू हो जाएगा। ये देखो आपका इस तरीके से अंडू हो जाएगा, यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं, क्लियर है। अगर आप बाहर जाके अंडू करोगे, तो वो जितने मल्टीपल फिलेट वन टाइम में लगाए थे वो सारे ही अंडू हो जाएंगे। एक एक अंडू करना है, तो आप जैसे एफ एंटर किया मल्टीपल, और आप इसको फिलेट कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। अब आप चाहते हो कि इसको नहीं करना, तो अभी आप अंडू करेंगे तो ये हट जाएगा, बट अगर आप कमांड से बाहर आ जाओगे, अब अगर आप कंट्रोल जेड करोगे अंडू, तो तीनों ही फिलेट हट जाएंगे, क्योंकि हमने एक ही कमांड से वो लगाए थे। अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पॉली लाइन। अब हमारे पास मान लो ये वाला है, ये मेरी एक पॉली लाइन है, ये भी एक पॉली लाइन है। मैं इसको करना चाहता हूँ फिलेट और रेडियस डालना चाहता हूँ टू का, तो आप यहाँ पे प्रेस करें एफ एंटर फॉर फिलेट। रेडियस आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया टू। अब कंप्लीट पे अगर आप ऐसे लगाते हो वन वन करके, तो एक एक पे फिलेट लगेगा आपका, ठीक है। अंडू किया, अगर आप चाहते हो वन टाइम में सभी कॉर्नर्स पे आपका फिलेट लग जाए, तो क्लिक ऑन एफ एंटर फॉर फिलेट, रेडियस आप प्रोवाइड करें टू का, एंटर, एंड यहाँ पे है पॉली लाइन, क्लिक ऑन पॉली लाइन, और इस पॉली लाइन पे क्लिक कर दे, तो आपका इस तरीके से फिलेट हो जाएगा, क्लियर है। मान लो आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, अब हर एक कॉर्नर पे आप टू टू का फिलेट लगाना चाहते हैं, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, एफ एंटर, और यहाँ पे एक एक को सिलेक्ट करके फिलेट लगा देंगे। बट अगर आप मल्टीपल फिलेट लेते हैं, एफ एंटर, मल्टीपल फिलेट लोगे, तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं मल्टीपल फिलेट, बट ये पॉली लाइन के केस में मल्टीपल फिलेट काम नहीं करेगा, वो एक ही पे लगाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एंटर, रेडियस आप डाल सकते हैं टू, क्लिक ऑन पॉली लाइन एंड सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल। आप देखो ये पॉली लाइन था आपका, ये कंप्लीटली वन टाइम में चारों तरफ फिलेट हो गया, क्लियर है। चलो अब लास्ट चीज बचती है, वो है ट्रिम और नो ट्रिम। ट्रिम और नो ट्रिम देखो क्या है,
अब ये मेरे पास है, मैं यहां पे 2 का रेडियस देना चाहता हूं, मान लो मैंने किया एफ एंटर, ठीक है, या फिर यहां पे है मैं 2 का रेडियस देना चाहता हूं, और यहां पे मैंने किया एफ एंटर रेडियस 2 और इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक किया तो वो 2 का रेडियस इस तरीके से यहां पे आ गया। इन दोनों लाइंस को जो यहां पे कॉर्नर बना रही थी, इन दोनों लाइंस को इसने ट्रिम कर दिया। क्लियर है? मैं चाहता हूं कि इन दोनों लाइन को ट्रिम ना करे और इस तरीके से भी आ जाए आपका फिलेट के साथ। तो आप एफ एंटर करो, रेडियस आपने डाला यहां पे 2 का। अब ट्रिम पे क्लिक करके देखो यहां पे है ट्रिम, आप इसे कर दें नो ट्रिम। तो अगर आप अब इन दोनों पे क्लिक करेंगे तो फिलेट लगा देगा बट इसको ट्रिम नहीं करेगा। क्लियर है? उसके बाद और कहां कहां पे यूज होगा, मान लो यहां पे है मेरे पास ये वाला ऑप्शन। अब अगर मैं एफ एंटर करता हूं, रेडियस 2 का डालता हूं और ट्रिम कर देता हूं, इनको तो वो आपस में मिला देगा 2 रेडियस के साथ, बट एफ एंटर करके रेडियस 2 का किया एंड ट्रिम को मैंने नो ट्रिम कर दिया। अब अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो वो उस लाइन को ज्वाइन नहीं करेगा बट वो रेडियस जरूर लगा देगा आपका 2 का। इस तरीके से, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसे। जैसे यहाँ पे पॉली लाइन है, अगर आप एफ एंटर करके मैंने यहाँ पे नो ट्रिम किया हुआ है, आप अगर पॉलीलाइन पे क्लिक करके इसको क्लिक करोगे तो वो देखो इसको ट्रिम नहीं करेगा, जैसे इसमें इस पार्ट को ट्रिम कर दिया था, इसको ट्रिम नहीं करेगा, बट इस तरीके से आप इस चीज को यूज कर सकते हो। तो ये थे आपके ट्रिम के फिलेट के अंदर सारे ऑप्शन, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपल ट्रिम। तो ये आप इजिली कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, लाइक करने से और मोटिवेशन आएगा और आपके लिए ऐसी वीडियो बनाऊंगा। और ऑटोकैड से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इससे अलग सॉफ्टवेयर पे जो भी आपको वीडियो चाहिए आप मेरे चैनल को विजिट करें, सभी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैंने वहां पे वीडियोस डाली हुई है। सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।